आज हम वो टॉप बेस्ट हिंदी वेब सीरीज की बात करेंगे जो पिक्चराइजेशन और रेटिंग वाइज तो अच्छी ही है, पर साथ ही उनकी स्टोरी भी लाजवाब है। जैसे हीरा हीरे को काटता है, वैसे हिंदी सीरीज का एक दूसरे से मुकाबला। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीबी न्यूज़ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। नंबर 10 में हमारी लिस्ट में शामिल है कोर्ट एम, 2020 बालाजी की बेहतरीन सीरीज में से एक है। इस सीरीज़ को 2020 में लॉन्च किया गया है। सेना की वकील मोनिका मेहरा को ये केस एक ओपन एंड शट मामले की तरह लगता है। एक सैन्य अधिकारी की मौत और दो आतंकवादी सस्पेक्ट्स एक मुठभेड़ में मारे जाते हैं और इस केस के लिए वो रवाना हो जाती है। हालांकि जैसा कि तथ्य सामने आते हैं, मोनिका मेहरा समझती है कि मामला जिस तरह से दिखता है उससे कई अधिक जटिल है। क्या वह ये कोड ब्रेक कर पाएंगी? दोस्तों, नंबर 9 में हमारी लिस्ट में शामिल है पाताल लोक, जो कि प्राइम वीडियो 2020 की सीरीज़ है। 7.6 IMDb रेटिंग के साथ ये अमेजोन प्राइम की बहुत ही दिलचस्प सीरीज़ में से एक है। यह क्लीन स्लेट फिल्म्स द्वारा निर्मित है और इस सीरीज़ में जयदीप अलावत, गुल पनाग, नीरज काबी, स्वास्तिका मुखर्जी, इश्वाक सिंह और अभिषेक बैनर्जी जैसे सितारे हैं। टीज़र 27 अप्रैल को जारी किया गया था, जबकि ट्रेलर 5 मई को जारी किया गया था। तरुण तेजपाल के 2010 के उपन्यास द स्टोरी ऑफ माई असैसिन्स पर आधारित ये सीरीज़ एक डिसइल्यूशन पुलिस वाले के बारे में है, जो एक हत्या के प्रयास के मामले को भुला देता है। दोस्तों, नंबर 8 में हमारी लिस्ट में शामिल है अपहरण, बालाजी की कमाल सीरीज़ में से एक है। दोस्तों, 8.4 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज में उत्तराखंड पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र श्रीवास्तव को अपने अनुरोध पर एक युवा लड़की का अपहरण करने का लालच दिया जाता है। उसकी रिहाई के बदले में पैसा निकालने की सरल योजना का प्लान शुरू होता है। जब इस प्लान में घटनाएं होने लगती हैं और झूठ का एक मुखौटा सामने आता है, तब उसे पता चलता है कि वह अब एक घातक साजिश का हिस्सा है। क्या वह अपनी पसंद के नतीजों से बच पाएगा या फिर झूठ के जाल का शिकार बन जाएगा? दोस्तों, लिस्ट में 8 नंबर अपहरण के साथ एक और सीरीज़ है भौकाल, जो कि 2020 MX प्लेयर की ड्रामा थ्रिलर है। यह SSP नवीन सिकरा की कहानी है, जो अपराधियों के शहर मुजफ्फरनगर की सफाई करता है। ये शहर अराजकता और पूरी तरह से कियोस की स्थिति में है। दरअसल उनका मिशन मुजफ्फरनगर को कैपिटल अपराध पूंजी से कैपिटल शांति राजधानी बनाना है। दोस्तों, नंबर 7 में हमारी लिस्ट में शामिल है माधुरी टॉकीज, 2020 MX प्लेयर, जिसकी रेटिंग 9 है। दोस्तों, माधुरी टॉकीज वाराणसी और मुगलसराय के बीचों बीच स्थित एक भोजपुरी सीरीज है, जहां महिलाओं और राजनीतिक अत्याचार के बीच करप्ट पॉलिटिशियन राज करते हैं, जिसमें रवि झांगू अपने जीवन के प्यार का बदला लेने के लिए एक कठोर व्यक्तिगत मिशन पर निकलते हैं। ये सीरीज रोमांचक लव रिवेंज स्टोरी है। दोस्तों, नंबर 6 में हमारी लिस्ट में शामिल है स्पेशल ऑप्स, 2020 हॉटस्टार रेटिंग 8.6। यह सीरीज हिम्मत सिंह ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में है, जो आतंकवादी हमलों में सिमिलर पैटर्न्स को स्टडी और फॉलो करता है। हिम्मत सिंह को लगता है कि सभी हमलों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले 5 एजेंट, जो कि उनकी टास्क फोर्स टीम का हिस्सा है, और उनका उद्देश्य सिर्फ मास्टरमाइंड को पकड़ना है। दोस्तों, नंबर 5 में शामिल है सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो कि 7.7 की रेटिंग के साथ 2019 की हॉटस्टार स्पेशल सीरीज है। यह सीरीज गायकवाड़ परिवार के भीतर के झगड़े की कहानी है, जो कि गायकवाड़ की असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद शुरू होती है, जिसमें उनके बेटे और बेटी पॉलिटिकल गाड़ी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह सीरीज़ फुल ऑफ सरप्राइज और बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा है। दोस्तों, नंबर 4 में हमारी लिस्ट में शामिल है असुर, जो कि 2020 की सीरीज़ है, वुड सिलेक्ट 8.4 की रेटिंग के साथ। एक साइकोपैथ किलर और दो फॉरेंसिक विशेषज्ञों के बीच युद्ध की खतरनाक लड़ाई। इस सीरीज़ में साइकोपैथ किलर, जो कि बहुत ही शातिर है और हर कदम में इन्वेस्टिगेटर्स से 4 कदम आगे है, यह इंडिया की पहली माइंड थ्रिलर सीरीज़ है। दोस्तों, इसी सीरीज़ की लिस्ट में नंबर 3 में शामिल है दिल्ली क्राइम, जो कि 2019 की सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स 8.5 की रेटिंग के साथ। दिल्ली क्राइम्स एक क्राइम सीरीज़ है, जो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है। शेफाली शाह की एक्टिंग ने मानो इस सीरीज़ में जान डाल दी है, जहां शेफाली शाह DCP को महिला पीड़ित की हत्या के लिए दोषी लोगों को खोजने का काम सौंपा गया है। यह सीरीज़ सत्य घटना पर आधारित है और यह एक दिल दहलाने वाली सीरीज़ है। दोस्तों, यहीं इस लिस्ट में नंबर 2 में शामिल है मिर्ज़ापुर, जो कि 2018 की अमेजॉन प्राइम सीरीज़ है। इसकी रेटिंग 8.5 है। एक शादी के जुलूस में एक चौंकाने वाली घटना मिर्ज़ापुर के अधर्म शहर में दो परिवारों के जीवन को उलझाती घटनाओं की श्रृंखला को प्रज्वलित करती है। मैं हर किसी को इस सीरीज़ को देखने की सलाह दूंगी, अगर आपको क्राइम और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं।
और दोस्तों इसी लिस्ट के नंबर एक में शामिल है 2019 की सीरीज क्रिमिनल जस्टिस, जो कि 8.1 की रेटिंग के साथ हॉटस्टार स्पेशल पर अवेलेबल है। ये सीरीज नंबर वन इसलिए है क्योंकि इस स्टोरी की कठोर वास्तविकता से हर कोई रिलेट करने लगता है, जिसमें सेक्स, ड्रग्स और भयानक हत्या आदि सब है, और साथ ही साथ कैसे एक नाइट स्टैंड नाइटमेयर में बदल जाता है।